अच्छा, आज ना हम जो हमारा पहला टॉपिक है ना वो पढ़ेंगे ग्रेडियंट मैश के बारे में, ठीक है। और उसके बाद जो होगा फिर अगला टॉपिक होगा वो हो सकता है कि सिंबल्स के बारे में पढ़ें। तो ग्रेडियंट मैश जो है अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले थोड़ी सी ना बैकग्राउंड के, हमारे पास जो है ना कलर को, चीज़ों को कलर करने के पहले हमने कितने मेथड पढ़े हैं, उनमें से कुछ का जो है ना देखते हैं कि हमें कौन कौन से याद आते हैं। फर्ज कर ये रेक्टेंगल लग गई ना इस तरह, तो एक तो हमने देखा था कि इधर से हम सिंपल क्या कर देते थे, यहाँ से इसको पकड़ते हैं और इसको यहाँ से ये वाला क्लिक कर देते हैं, कोई भी कलर इस तरह, ठीक है। तो ये एक कलर करने का तरीका था। दूसरा ये था कि इसको थोड़ा सा अच्छा कलर करने का एक और तरीका हमने देखा था, वो था ये ग्रेडियंट, ये तो ना ये वाला ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट का मतलब होता है कि एक रंग से दूसरे रंग में जो है ना मुंतकिल होना, एक चीज जो कलर होते हैं ना इस तरह। तो अभी इनमें से कोई ग्रेडियंट फर्ज कर ये बने बनाए पहले वाला लगाते हैं, तो ये देखें ये इस तरह का लग गया। अभी हम इसको कोई भी जो है जहाँ पे डबल क्लिक करते थे, और इसको कोई भी इस तरह फर्ज करें, ये देखें ना वो कलर लग रहा है, इसको डबल क्लिक करें, ठीक है, कोई इस तरह कलर लगा दें, ये देखें लग गया इसको। फिर इसको हम इस तरह रेडियल कर लेते थे, यहाँ से इसको प्रेस करें तो ये देखिए रेडियल हो गया। फिर इसके बाद एक आगे वाला था, ये वाला पॉइंट था जहाँ पे हम क्या करते थे, सिंपल इस तरह पॉइंट लगाते थे, ठीक है, यहाँ पे कोई इस तरह, तो इस तरह पॉइंट लगाते थे और उनको कलर कर देते थे ना इस तरह। फर्ज करें भी ये पॉइंट सेलेक्ट है तो इसको कोई कलर कर दिया इस तरह, तो ये भी एक तरीका था। फिर उसके बाद ये दो तरीके हो गए। फिर उसके बाद हमने एक पढ़ा था, मतलब कि कलर करने का तरीका था वो ब्लेंडिंग वाला, वो है इस तरह का था कि फर्ज करें हमने कोई कलर करना है ना किसी चीज़ को कोई, तो हम इस तरह करते थे कि फर्ज करें मतलब कि इनसे मुख्तलिफ करना है कलर, तो वो तरीका हमने इस तरह का बनाया था कि ये देखिए फर्ज करें ये जो है ना ये पेंसिल टूल लेते हैं, यहाँ से ये पेंसिल टूल ले लिया, तो हमने क्या किया था सिंपल इस तरह का कोई रफ सा, इस तरह हमने जिस तरह का कलर करना है ना शेड, इस तरह का एक एक कोई एक चीज़ बना लेते थे इस तरह। फिर उसके बाद इसको जिस शेप में कन्वर्ट करना है ऐसे इस तरह करके, ये फर्ज करें ऐसे हो गया तो इस तरह आ गया, ठीक हो गया। तो अभी हम इनको फर्ज कर इसको हम कर देते हैं येलो, ठीक है, इसको हम कर देते हैं येलो, और नीचे वाले को कर देते हैं कोई रेड कर देते हैं इस तरह, और इन दोनों का जो स्ट्रोक खत्म कर देते हैं, यहाँ से स्ट्रोक जो है वो इधर से ख़त्म कर दिया, और अभी इन दोनों को जो है ना वो ब्लेंड कर देते हैं, इन दोनों को जो है ना। तो ब्लेंड टूल का जहाँ पे हमने पढ़ा था ये वाला टूल जो है ना, ये वाला, इसको एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते थे फिर उसके बाद दूसरे पे क्लिक करते थे तो वो उसमें आस्ता आस्ता मिक्स हो जाए, अभी स्टेप इसके काम है ना, तो फिर क्या करते थे इसको पकड़ के हमने ऑब्जेक्ट में जाते थे, या इधर से डबल क्लिक करते डायरेक्ट इसी के ऊपर ताकि इधर से आ जाए ना वो पैनल, और यहाँ पे जाके हम कहते हैं स्पेसिफाइड स्टेप्स अगर कहें तो ये एक है, इसको हम ज़्यादा करते हैं तो ये देखिए 20 30 40, तो देखिए देखिए जो है ना अभी हम अभी कलर जो है ना और तरह का ये हो गया, ये फर्ज करें कलर ही है ये वाला। तो अभी हमने अगर ये रेक्टेंगल में भरना है, इस रेक्टेंगल में भरना है तो इसको इसके ऊपर रखेंगे, ये कंट्रोल ब्रैकेट से इसको ऊपर ले आते हैं, ठीक है, ये देखिए इसके ऊपर आ गई, तो इसके अंदर ये वाला कलर भरना है, तो हम ये तरीका है कि जो है ना जहाँ पे इस तरह लें, और अभी दोनों को सेलेक्ट करें और इसको क्लिपिंग मास्क करते हैं अंदर वाली शेप को ना, इसमें क्लिपिंग मास्क हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट क्लिपिंग मास्क और यहाँ से मेक मास्क। तो अभी ये देखें यूँ यूँ लग रहा है जैसे वो हमने एक रेक्टेंगल में इस तरह का खूबसूरत सा कलर भर लिया इस तरह। तो ये हमारे पास थे कुछ तरीके जो थे ना पहले चीज़ों को कलर करने के। अभी एक और भी एडवांस जो है उसको कहते हैं ग्रेडियंट, पहले क्या हमने पढ़ा था ग्रेडियंट और अभी है ग्रेडियंट मैश। अभी ये मतलब कि और भी इससे एडवांस तरीका है और ये काफ़ी पुराना तरीका है, ठीक है, तो इसको अभी हम ये डिलीट कर देते हैं। अभी हम आते हैं ग्रेडियंट की तरफ, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पहले एक लेते हैं यहाँ से रेक्टेंगल लेते हैं, पहले मैं आपको उसकी कुछ बेसिक समझाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ हमने ले लिया इस तरह की कोई भी, इस तरह की रेक्टेंगल लेनी, ठीक है, उसमें कोई भी कलर भर लें ये हमारी मर्जी है इस तरह। अच्छा यहाँ पे भी गौर करें, यहाँ पे लिखा हुआ है रेक्टेंगल, और एक और चीज़ों को समझने के लिए जो है ना लेयर पैनल भी कभी 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 साथ खोल लेना, तो इससे भी अभी समझ आ जाती है। तो इसको अभी देखिए अभी इसको एक्सपैंड करें, अभी क्या है ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और यहाँ भी देख रहे हो ये लिखा हुआ है रेक्टेंगल है, ठीक है। अभी इसको होता है कि हमने इसको जो है ना इसको जो है हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट ग्रेडियंट मैश, मतलब कि ग्रेडियंट का जाल जो है ना वो बना दे। तो देखिए अभी हम इसको करते हैं, इसको क्लिक करते हैं, ओके करते हैं यहाँ से। अच्छा देखिए जो भी हमने इसको किया तो अभी क्या आ गया, यहाँ पे तीन रोज आ गई और तीन कॉलम आ गए, और जहाँ पे उसकी अपीयरेंस जो है फ्लैट है और हाईलाइट उसकी 100% है। चलिए अभी हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है असल में, ठीक है। तो हम इसकी रोज़ को थोड़ा ज़्यादा करते हैं, देखें एक ज़्यादा कर दिया, चार कर दिया, तो देखिए अभी ये जो रोज़ हो गई चार हो गई, ठीक है। अभी कॉलम जो है उसको कर दिया ज़्यादा, तो देखिए कॉलम भी ज़्यादा हो गए, इस तरह पाँच हो गए कॉलम और इस तरह हो गए ना। उसके बाद इसकी अपीयरेंस जो है ना
वो है फ्लैट। तो अभी इसकी हम टू सेंटर अगर करें देखिए किस तरह हो जाता है कलर, मतलब कि टू सेंटर का मतलब है कि वो सेंटर से देखें वो चमकदार हो गई है, ठीक है। और अगर हम इसको इसका उल्ट करें यहाँ से टू एज की तरफ करें इस तरह, ठीक है। तो अभी देखें ये जो है ये मतलब कि एज सेंटर से और साइडों से मध्यम सी होगी ना इस तरह। तो आगे इसकी हाईलाइट कितनी रखनी है ये देखिए, अभी जो हाईलाइट जो है ना चले इसको मैं दिखाता हूँ सेंटर में, इसकी हाईलाइट जो है ना 100% है। अभी इसको अगर 50% करें शिफ्ट के साथ मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ डाउन एरो कीबोर्ड पे, तो वो देखिए वो आस्ता आस्ता जो है ना मध्यम हो रहा है, यहाँ से जो व्हाइट पोर्शन था ना वो 50% रह गया। अब इसको फुल कर दें 100% तो ये चमक गया। अच्छा चले हम इसको फिलहाल जो है ना फ्लैट रखते हैं, इसको यहाँ से फ्लैट रखते हैं तो इसको ओके करते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, सिंपली हमने क्या किया कि एक सिंपल एक रेक्टेंगल थी, ठीक है, एक सिंपल क्या की थी, एक रेक्टेंगल थी सिंपल, ठीक है ना। तो उसको हमने क्या किया कि उसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से ऑब्जेक्ट में गए और इसको हमने क्रिएट ग्रेडियंट मैश, ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्रिएट ग्रेडियंट मैश किया तो वो इस तरह की ग्रेडियंट मैश बन गई, ठीक है। तो अभी देखिए जब इसको सिलेक्ट करते हैं ना तो यहाँ पे देखें किस तरह का है, ये मैश नजर आ रही है ना लिखी हुई, ये मैश लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो अभी रेक्टेंगल नहीं रहेगी बल्कि मैश बन गई, और यहाँ से भी देखें लेयर पैनल में भी मैश है। तो ये होती क्या है, अभी हम इसको इस पर गौर करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमने इस ये ग्रेडियंट मैश टूल भी है, ये देख रहे हैं मैश टूल है, तो इसको भी हमने नहीं छेड़ा, ठीक है। अभी हम चलते हैं इनकी तरफ, चलते हैं इसकी तरफ, यहाँ पे चलते हैं ये वाला इसकी तरफ, ये जो है ना टूल ये वाला। अच्छा इसमें देखेंगे ये वाला जो है ना, ये मतलब जो मैश है ना इसको कोई भी पॉइंट देखें, अभी ये पॉइंट बन गया, इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पॉइंट सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। देखें ये पॉइंट सेलेक्ट हो गया, इस पर क्लिक करें ये पॉइंट सेलेक्ट हो गया इस तरह, ये इसको क्लिक करें ये देखें पॉइंट सेलेक्ट हो गया है, ठीक हो गया। अभी हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से कलर पैनल खोल लेते हैं स्वेचेज वाला ना, ये स्वेचेज पैनल खोल लेते हैं। तो देखिए अभी अभी हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट, ये सिलेक्ट हुआ हुआ है अभी, और ये कलर इसका नजर आ रहा है। अभी हम इसको पिंक करते हैं देखें, तो यहाँ पे वो पिंक कलर जो है ना वो भर गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे किसी और जगह पे इस पॉइंट पे क्लिक करें, ठीक हो गया, और यहाँ पे आके कोई और कलर करें, यहाँ पर ये कर लेते हैं देखें ये और कलर हो गया यहाँ पे, यहाँ पे आके प्रेस करें, ठीक है, और इस पर कोई भी कलर कर दें ये वाला, तो देखें उस पर कलर हो गया है। मतलब कि मैश का क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो ओरिजिनल तो मौजूद रहता है, उसके ऊपर एक इस तरह का जाल सा बन जाता है, मैश बन जाती है। और मैश के क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं ये बने, ये देखे ना ये जो अभी ये ना डायमंड की शक्ल के पॉइंट है, वैसे जो इस शक्ल के पॉइंट ना देखिए, अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ इससे, अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया तो देखिए कुछ पॉइंट जो है, ये देखिए ये वाला पॉइंट जो है ना ये चकोर नजर आ रहा है, लेकिन ये चकोर जो है ना इसका ये कोने ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं, तो जो इस तरह के डायमंड टाइप नजर आ रहे हैं। तो ये डायमंड जो होते हैं ना यहाँ पे ये होते हैं उसके पॉइंट, जो डायमंड जो होते हैं ना ये इसके पॉइंट होते हैं मैश के पॉइंट, और ये जो इस तरह के चकोर के पॉइंट हैं ये हैं इस रेक्टेंगल के पॉइंट, मतलब कि रेक्टेंगल को पकड़ना हो तो इधर से, और अगर ये पॉइंट जो है। तो चलिए फिलहाल अभी इसको थोड़ा सा बढ़ाते जाते हैं आगे। तो यहाँ पे देखें अभी इसको क्लिक करें ना, जब जा इसको ये जो व्हाइट एरो है, व्हाइट एरो क्या डायरेक्ट चीज़ों को सिलेक्ट करता है। तो अभी देखें ये तो हमें पता चल गया कि इस तरह का हम कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और उस पर जो भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो उस तरह का कलर हो जाएगा। आगे फिर इसमें क्या है कि जो ही ये जो देखें ना ये जो पॉइंट है ना इसको हम पकड़ते हैं तो इसको छेड़े नहीं, देखें यहाँ से जो पॉइंट है ना इसको हम छेड़ने लगे, ये देखें। अच्छा ये भी गायब हो जाता है, तो अभी हम यहाँ से व्यू जो है इसको करते हैं प्रीव्यू ऑन सीपीयू ना, तो इसको प्रीव्यू ऑन जीपीयू करते हैं, चलें ये देखते हैं, ठीक है। अभी देखें तो अभी हमें क्या होगा कि देखिए थोड़ा सा भी पॉइंट जो है ना साथ साथ हमें अभी वो मध्यम ही हो रहे हैं ना, अभी हमें इसका डिस्प्ले जो है ना सही नजर आएगा, क्योंकि अभी हमने प्रोसेसिंग जो है वो यहाँ से ग्राफिक कार्ड के हवाले कर दिया है। ये जीपीयू प्रीव्यू जो है ना ग्राफिक कार्ड जो होता है ना वो मतलब कि थोड़ी सी प्रोसेसिंग जल्द अच्छी करता है वीडियो की, जल्दी कर लेता है। अच्छा उसमें देखिए हम इन पॉइंट को जो है ना पकड़ के, इस पॉइंट को पकड़ के हम कहीं भी इस तरह मूव भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ले गए तो इस पॉइंट पे हमने रन किया होगा था ना, लेकिन देखिए वो रंग कैसे अभी जो है ना चेंज हो रहा है। अभी देखिए मैं बाहर क्लिक करने लगा हूँ तो देखिए वो रंग किस तरह का और तरह का हो गया ना। तभी दोबारा जहाँ पे करीब जाएं इसको क्लिक करें, इसको वापस ले आए इस तरह, देखें ये एक पॉइंट ये है। अच्छा ये काम कैसे करते हैं कि ये जो पॉइंट होते हैं ना, फर्ज करें ये जो इसके पॉइंट हैं ये वाले, तो इस ये बताते होते हैं कि ये जो है ना कितना फैले कलर। अभी देखिए इसका पॉइंट को, इसको पॉइंट को पकड़ने लगा, अभी देखें इस पॉइंट को देखिए मैं इसको ऊपर की तरफ करने लगा जिस तरह होते हैं ना कर्व का, तो ये देखें इसको अभी नीचे वाले पॉइंट को इसको पकड़ के नीचे की तरफ करता हूँ ऐसे, तो अभी देखें जिस तरह वो तो होता है ना वो वेव होती है उस तरह बन गया है। तो असल में करना क्या होता है कि ये जो पॉइंट होता है ना ये सेंटर में जो है जिस पे हमने रन किया होता है, इसके चार हैंडल होते हैं, दो तो ये हो गए और दो देखें इसको नीचे वाले को पकड़ेंगे तो ये देखें इसके दो और भी हैंडल है इस तरह, चार इसके हैंडल होते हैं इस तरह। तो इसको देखें भी थोड़ा करीब करें इसको, इस हैंडल को इसको भी थोड़ा करीब करें इस तरह, देखें क्या होता है। तो वो रंग जो है ना वो इन हैंडल की, एक तो इन हैंडल की मदद से होता है, दूसरा ये कि यहाँ से ये वाला पॉइंट जो है ना इस पॉइंट पे हमने रंग किया है और इसके और कितने पॉइंट हैं, एक साइड पे एक ये वाला पॉइंट है और एक ऊपर पॉइंट है, एक ये है, चार पॉइंट इसके इर्द गिर्द हैं, ठीक है। तो ये इन पॉइंटों से परे नहीं जा सकता रंग,
ये इस पे ये जो पिंक रंग की है ना, जो इन पॉइंट से परे नहीं जा सकता, इनके अंदर अंदर ही रहेगा, ठीक हो गया। दूसरा ये कि ये रंग फैलेगा किस मत में, वो जो हैंडल तय करेंगे, ये वाले जो होते हैं ना हैंडल, ये तय करेंगे कि ये रंग फैलेगा कितना। अभी देखें इन, इसको थोड़ा सा इस रंग को कम फैलाना है तो इस हैंडल को पकड़ के करीब ले आए इस तरह, ठीक है, जहाँ पे करीब लाए तो देखें वो रंग जो है यहाँ से कम फैल गया है, इसको पकड़ के यहाँ पे करीब लाए इस तरह तो देखें वो जो है ना, वो रंग जो है वो मतलब कि करीब करीब आता जा रहा है, इसको और करीब कर लें इस तरह, ये देखें इस तरह। अच्छा उसके बाद एक यहाँ पे एक रंग करते हैं, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से एक और कलर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं ये जो पिंक है तो उसके मुकाबले में चले कोई रेड कर लेते हैं, चले ये। अच्छा ये जो रेड है जो है ना, तो अभी इसको थोड़ा सा कंट्रोल प्लस करके कुछ नजदीक करते हैं, कंट्रोल प्लस से इसको नजदीक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखें ये जो है हैंडल जो है ना, इसको भी सीधा करते हैं यहाँ पे, देखें इसको भी सीधा कर लिया, इसको भी ये हैंडल बताएंगे। अभी देखें हैंडल को हम इसको पीछे की तरफ ले आते हैं यहाँ से, ठीक है, और इस हैंडल को भी यहाँ से पीछे की तरफ ले आते हैं यहाँ से। तो अभी क्या होगा कि इन हैंडल तक जो है ना वो तो कलर वही रहेगा, लेकिन आगे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो यहाँ से इस हैंडल के दरमियान और इस हैंडल के दरमियान जो ना वो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होकर मिक्स होना शुरू हो जाएगा। और देखिए अगर हम इसको तेज मिक्सिंग करना चाह रहे हैं तो इसको पकड़ के हैंडल को जहाँ पे लाएं इधर को खींचें, ठीक है, और दूसरे हैंडल को पकड़ के इसको भी जहाँ पे इधर को करीब को इसकी तरफ खींचें इस तरह। तो देखिए अभी वो जो ना वो रंग जो है मतलब कि अभी जो हैंडल जो ये जो रेड कलर जो है ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जो है ना फैलेगा, मतलब कि यहाँ तक और फिर आगे आगे जाने की ट्राई करेगा, और ये जो इधर है तो देखिए हम इनको करीब करीब लेते हैं जरा, तो ये रंग जो है ना अभी मिक्सिंग थोड़ी सी शार्प हो रही है, जल्दी हो रही है इस तरह, ठीक हो गया। उसके बाद अभी और क्या है कि देखें हमने इन इसको करीब ले आए इस पॉइंट को, फर्ज करें हमने कहना कि ये जो है ना ये इधर को ना फैले, तो हम इस पॉइंट को पकड़ के अगर नीचे की तरफ ले आए इसको पकड़ के, देखें मैं भी वैसे अब रफ बता रहा हूँ भी इसको नीचे से, क्योंकि वो तो येलो पॉइंट है ना, तो जाहिर है उसने तो कुछ अपना भी असर रखा है। ये देखिए इसको भी पकड़ के इस तरह नीचे की तरफ करें इस तरह, तो ये देखें अभी वो जो है ना इधर से शार्प हो गया है, मतलब कि ये जो पॉइंट जहाँ पे हमने पिंक किया था उसके ऊपर जो पॉइंट है ये वाला जहाँ वहाँ पे येलो हुआ हुआ है रंग, ठीक है, तो ये जो है ना ये उसको परे नहीं जा सकता। और ये देखिए ये जो शार्प बन रहा है ये किस वजह से बन रहा है कि ये हैंडलों की वजह से। अभी हम इसको और करीब कर लेते हैं, चले कंट्रोल प्लस से, कंट्रोल प्लस मैं प्रेस कर रहा हूँ तो देखें ये और भी करीब आ गया ना ये वाले, तो इसमें देखें इसके हैंडल नोट करने की ट्राई करें, ये देखिए ये पॉइंट है, ठीक है, और इसका एक देखें ये वाला हैंडल है ये वाला, इसको पकड़ के यहाँ पे देखें ऊपर की तरफ ले जाएं, और इसको भी अगर पकड़ के सामने सीधा कर लें इस तरह देखिए, और इसको पकड़ के नीचे की तरफ लाएं, ये देखें अभी दोनों हैंडल तो सीधे हैं, अभी इसको रंग को और भी शार्प करना है तो इस पॉइंट को ऊपर वाले को पकड़ के और नीचे की तरफ करें इस तरह, करते जाएं देखिए अभी बिल्कुल नीचे आ गया है, तो देखिए वो कितने शार्प हो गए कलर। और अभी इसको कंट्रोल जीरो प्रेस करता हूँ ताकि पूरा डॉक्यूमेंट नजर आए, और अभी मैं इसको यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह हो गया। तो ये आपको कुछ समझ आ गई होगी, हमें यहाँ पे हमें ये समझ आ गई होगी कि किसी भी पॉइंट को पकड़ें इस, एक तो हर पॉइंट का मैश मैश होता है जाल एक, ठीक है, वो जहाँ पे भी जो मतलब कि कॉलम और रोज आपस में लिंक हो रही होती है वहाँ एक पॉइंट होता है, ठीक है, वो पॉइंट पे हम कोई भी कलर कर सकते हैं, ये देखें इस तरह, ठीक हो गया, ये हमने पॉइंट ले लिया इस तरह, कोई कलर कर सकते हैं। वो कलर फैलेगा कैसे, वो कलर अपने चारों तरफ जो नुक्ते होंगे ना ये वाले और ये वाले नीचे वाले इस तरह, ये वाला और ये वाले नुक्ते, तो वो उस तरह मतलब के फैलेगा, ठीक हो गया। तो फिर आगे ये होता है कि हम इनको शेप क्या देना चाह रहे हैं, देखिए इसको इस तरह ऊपर की तरफ किया इस तरह, इसको ऊपर की तरफ किया और यहाँ से इस पॉइंट को फिर नीचे की तरफ कर दिया इस तरह, तो देखें इस ये जो रेड है, ये जो रेड है इसके ऊपर देखें ये जो पॉइंट है तो ये उसकी हमने वेव सी बना दी ना, तो देखिए वो वेव टाइप इस तरह वो हरकत कर रहा है कलर, ठीक हो गया ना। ये देखिए यहाँ पे फिर अगर एक वेव बनानी है रेड की, इसको देखिए रेड को यहाँ से कलर करें, यहाँ से ये रेड चले इसको कोई हम ये ब्लू कर देते हैं इस तरह, और इसकी भी वेव बनानी है यहाँ से ऊपर है तो इस पॉइंट को भी पकड़ के यहाँ से नीचे कर दें इधर से, तो वो भी उसी तरह, और इसको और मजीद नीचे करें अगर तो देखें तो देखें ना अभी लहरें साइड बन गई इस तरह। तो अभी देखें हमने ये जो है ना अभी रेक्टेंगल ही है ये जो है ना, ये जो पूरी की पूरी जो है ये भी, अच्छा ये जो है ये पूरी की पूरी रेक्टेंगल ही है, देखें वो मैश अभी थोड़ी सी नजर आ रही है, हमने पॉइंट को थोड़ा इधर कर दिया था, इसको थोड़ा बाहर कर देते हैं, ये देखें ना अभी वो पीछे रेक्टेंगल पकड़ी गई है, तो अभी हम इस पॉइंट को पकड़ के इस पॉइंट को पकड़ते हैं और इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ कर, सिर्फ इस पॉइंट को पकड़ते हैं और इसको बाहर की तरफ करते हैं इस तरह, यहाँ पे कर देते हैं बराबर, ठीक है। तो अभी देखें असल में है सिर्फ ये रेक्टेंगल है, ठीक है, लेकिन हमने इसको मैश जैसे जैसे उसको बखेरा तो रंग भी जो है ना वो वैसे वैसे ही हो रहे हैं। तो ये एक है मतलब कि मैश को जो है मैश के जरिए कलर करने का तरीका, ठीक है। तो लेकिन अभी हम देखते हैं कि मैश में और कौन कौन सी ऑप्शन है, ठीक है, वो तो अभी हमने देखनी है ना। तो चलें यहाँ पे अभी मैं इसको करने लगा हूँ डिलीट, ठीक है, अभी मैं यहाँ से लेता हूँ, अभी हम ये लेते हैं यहाँ से ये वाली एलिप्स लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी ड्रा करते हैं, तो ये अभी दायरा लेते हैं, ठीक है, इसको इस तरह की चले इस तरह का बना लेते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अभी इसको फर्ज करें कोई भी कलर करते हैं, ये वाला कलर करते हैं, ठीक हो गया, ये कलर हो गया, या इसको चले हम कर देते हैं ये येलो, बल्कि कर देते हैं इसको ये हल्का ये कर देते हैं, ठीक है, ये देखें इस पर कलर हो गया।
अभी इस पे अगर लगाएंगे, इस पे मैश लगाते हैं, तो अभी दोबारा आप चलते हैं ऑब्जेक्ट में जाते हैं, यहाँ से इसको कहते हैं क्रिएट ग्रेडियंट मैश, मतलब कि ग्रेडियंट मैच जो है वो क्रिएट करो। तो जब देखिए क्रिएट होगा तो देखिए उसने उसकी शक्ल के मुताबिक वो ऑटोमेटिकली सेंस कर लिया उसने, मतलब कि उसकी शेप के मुताबिक उसने ऑटोमेटिकली सेंस कर लिया है। और अभी अगर हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे तो देखें ये इस तरह आ गया ना। तो अभी फिर यही है कि जहाँ से जिसको मर्जी पकड़े, अच्छा यहाँ से दरम्यान में अगर जाएंगे ना, यहाँ से दरम्यान में इसको यहाँ से देखें, ये तो अभी मैच हिल रही है ना इस तरह, तो अभी हम यहाँ से भी इस पर जाएंगे ये वाला जो है, लो अभी देखिए जहाँ से दरम्यान में पकड़े, एक मिनट बाहर क्लिक करते, जहाँ से एक मिनट जब इस तरह आ जाएगा तो देखिए अभी इसको हम पूरे को भी हिला सकते हैं, चारों पॉइंट को ना इकट्ठा भी ला सकते हैं इस तरह, यहाँ से चारों पॉइंट को देखिए ये सिलेक्टेड है ना। तो अभी जब हम इसके मतलब कि जब एक तो हम पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं ना, देखें पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से कलर करते हैं, तो ये देखिए वो पूछ रहे पॉइंट पे हुआ है। अभी मैं इसको अंडू करने लगा हूँ, ठीक है। अगर हम इसको ये देखिए सेंटर में क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे सेंटर में क्लिक करेंगे तो ये चारों पॉइंट जो है ना इसके जो जो चारों एजेस है ना, ये पॉइंट सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी हम इसको कलर करते हैं ये वाला येलो, देखें इन चारों पे हो गया और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, चारों पे हो गया। और अगर यहाँ से हम पकड़े तो हम इस पूरी को हिला सकते हैं, ये देखें देखें इस तरह हम इसको पूरी को हिला रहे हैं इस तरह, ये देखें इस तरह पॉइंट को भी हिला सकते हैं इस तरह अकेले को पकड़ के, और इसको सेंटर में अगर इस तरह करेंगे तो ये पूरी की पूरी इस तरह ही लगेगी, ठीक हो गया। तो ये शक्ल को ना जज करके जो है ये इस तरह करता है। चलिए अभी हम इसको भी जो है इसको भी अंडू कर देते हैं, चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं दोबारा एक जो है यहाँ से, इसको मैं अभी डिलीट कर दिया, यहाँ से इसको पकड़ के सारी सबको डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी दोबारा एलिप्स लेते हैं यहाँ से और इसको ये येलो कलर कर लेते हैं इसका, ठीक हो गया। अभी हम चलते हैं कि यहाँ से तो हमने पहले देखा था ना, जब इसको क्रिएट मैश करते थे, ग्रेडियंट मैश यहाँ से जब क्रिएट करते थे यहाँ से, तो वो जो इस तरह के वो खुद ही बनाता था ना डिवाइडर, और जहाँ से हम सीधे सीधे, अभी हम इसको कर देते हैं कैंसिल, ठीक है। अभी हम यहाँ से चलते हैं इस टूल पे चलते हैं, ये वाला जो है ना, ये जो ग्रेडियंट मैश टूल जो है ना, इसको मैश टूल कहते हैं इस तरह। इसको जब पकड़ते हैं इस तरह क्लिक कर दिया, तो अभी देखें ये इसके एलिप्स के जो है ना, ये पॉइंट है 1 2 3 4, ये पॉइंट एलिप्स के हैं, ठीक है। तो अभी देखें बाहर ले जाएंगे और तरह, और जहाँ पे देखें वो एक टेबल सा बना हुआ है, मैश बनी हुई है एरो के साथ, और साथ प्लस बना हुआ है, मतलब यहाँ पे है कि हम यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे इस जगह पे तो वो एक कॉलम और रो क्रिएट कर देगा। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करने लगा हूँ, यहाँ पे इधर करते हैं, चलें यहाँ पे करते हैं फिर ज्यादा समझ आएगी। यहाँ पे तो जो ही देखें क्लिक किया, उसने ऑटोमेटिकली जज कर लिया कि ये जो है ना इस तरह की एक कर्व इधर आएगी और एक इस तरह का कॉलम जो है ना इधर आएगा, तो उसने देखें ऑटोमेटिकली पॉइंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इधर नीचे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं हम इसके, जब क्लिक करेंगे तो देखें उसने उसके एक रो और एक कॉलम वाली लाइन जो है ना वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, मतलब कि हम अपनी मर्जी से भी कोई लाइनें दूर नजदीक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी मैं क्लिक करने लगा हूँ, और दूसरा ये कि अभी हम जो है ना, अभी हम रो और कॉलम नहीं, अभी हम सिर्फ एक कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, तो कॉलम ऐड करने का होता है कि फिर किसी रो के पास जाए यहाँ से, मतलब कि अभी देखें इसके करीब जाते जाते अगर फर्ज करें यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ना, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते देखें तो वो क्या करेगा, एक रो और एक कॉलम ऐड कर देगा। अभी मैं इसको, अभी हम जो है ना इसको कंट्रोल जी करते हैं तो ये सर आ गया। अभी हम जाते हैं यहाँ पे, देखें जब इस लाइन के करीब चले जाएं यहाँ से और फिर इस लाइन के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। तो अभी देखें हमने इसकी लाइन के ऊपर क्लिक किया, तो अभी सिर्फ जो है रो तो पहले ही मौजूद है तो, और कॉलम सिर्फ ऐड हुआ है। तो ये तरीका है, जहाँ देखें यहाँ पे कॉलम ऐड करना है तो हम इसको यहाँ पे ऊपर जाके लाइन के क्लिक करेंगे, तो ये देखिए कॉलम ऐड हो गया। इसी तरह अगर ये रो कॉलम ऐड हो गया, इसी तरह सिर्फ एक रो करनी है तो इसके ऊपर जाके क्लिक करें, इसके ऊपर जाके क्लिक करें देखें, तो वो एक रो ऐड हो जाएगी इस तरह। तो करीब दूर जैसे मर्जी हमने करनी है, और अगर किसी खाली जगह पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे इस तरह कॉलम आ जाएगा और इस तरह रो आ जाएगी यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे यहाँ पे, जहाँ मर्जी, लेकिन वो शक्ल को जाज खुद करेगा। तो ये भी एक तरीका है फिर इसको जो है ना, मतलब कि अपनी मैश को क्रिएट करने का। बाकी अभी मैं और भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे भी इसको चलते हैं और इसको हम कर देते हैं डिलीट, बैक स्पेस से इसको कर देते हैं डिलीट, इसको बैक स्पेस से डिलीट कर देते हैं। अच्छा अभी हम चलते हैं, तो अभी हम क्या करते हैं, एक अजीब सी शक्ल बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए पेंसिल ले रही, ठीक है, इसको थोड़ी सी ना रफ सी शक्ल बनाते हैं इस तरह, तो टमाटर की तरह जिस तरह, या शिमला मिर्च की तरह होती है ना जिस तरह, तो ऐसे चलते हैं, ऐसे कर दिया, ठीक है, इस तरह कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, ये देखें ऐसे, इसको टमाटर समझने या कोई शिमला मिर्च वगैरह कोई समझने, चले जो मर्जी समझ, ये हो गया इस तरह। पहले चलो इसकी थोड़ी सी शेप दुरुस्त कर लेते हैं यहाँ से, ये डायरेक्टर से, अच्छा दे, ये तो बहुत ज़्यादा पॉइंट बन गए ना, तो इसको फिर पॉइंट को चले फिलहाल जो बन गया है, तो लेकिन चले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इससे बेहतर है कि पेन से बनाए, उससे पॉइंट कम बनते हैं, मतलब कि उसके हम अपनी ये पेन टूल को इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो ना इसको जब सीखेंगे ना, तो फिर हमें थोड़ी सी शक्लें जो होती है ना वो हमसे अच्छी हम बना सकते हैं, मतलब कम पॉइंट के साथ, पॉइंट जो होते हैं ना वो अपनी मर्जी के फिर हम जो है ना ऐड कर सकते हैं। चले मैं अभी ये मैं रफ सी बनाने लगा हूँ जानबूझ के, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पे इसको कलर कर लें, ये वाला कर लें इस तरह,
तो चल बल्कि येलो करते हैं इस तरह। तो ये देखें अभी ये रफ सी शेप है, तो अभी देखें अभी हम जब इस पे ऐड करेंगे तो ये देखें यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे क्लिक करें देखें, तो वो ऑटोमेटिकली जिस तरह की इसकी शक्ल है ना उसने ऑटोमेटिकली जज कर लिया है। ठीक है अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं देखिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं इस रो के, तो देखिए उसने कॉलम में यहाँ से खुद ऐड कर दिया। यहाँ से क्लिक करते हैं ये देखिए इधर आ गया, यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो वो जज करके इसमें रो ऐड कर देगा, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो वो खुद जज कर लेगा कि क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करें देखें, ठीक है यहाँ पे आके यहाँ नहीं वो पकड़ लिया ये यहाँ पे, तो देखें उसने कॉलम यहाँ पे क्लिक कर लें तो वो जज जज करके ना ऑटोमेटिकली देखें उस तरह की कर देगा। तो अभी देखें इसको शिमला मिर्च बनाना हो फर्ज करें, तो पहले तो ये है कि इस प्यूरी को सिलेक्ट करें इसको, ठीक है इसको रेड कर दें। अच्छा वो एक अभी एक पॉइंट सिलेक्ट है ना, तो अभी हमने अगर सारे पॉइंट सिलेक्ट करने हों यहाँ से, ठीक है तो इसको अगर इस तरह करें ऐसे तो सारे पॉइंट सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिए सारे पॉइंट सिलेक्ट हो गए ना ये इसके साथ, तो अभी इन सब पॉइंट को पहले येलो कर रेड कर दें। ठीक है तो अभी किसी किसी पॉइंट को पकड़ें जहाँ पे इसको थोड़ा सा जो है ना हल्का शेड दें, इस तरह ये देखिए ये हल्का शेड दे दिया, यहाँ पे कर दें यहाँ पे कोई शेड दे दें इस तरह। ठीक है मतलब कि जहाँ पे जो डार्क मतलब कि अंदर की तरफ करनी है चीज़ें उनको थोड़ा सा डार्क का शेड दे दें, देखिए इस तरह ये दे दिया, जो बाहर की तरफ है उनको थोड़ा सा हल्का शेड दे दें रेड का जो है ना इस तरह, चले ये दे दिया। अभी यहाँ से यहाँ पे डार्क होना चाहिए, ये बीच ज्यादा है यहाँ पे डार्क होना चाहिए थोड़ा सा, चले ये मैं अभी आपको ना वैसे आइडिया दे रहा हूँ। तो अभी देखें चले ये मैं रफ से बनाया, तो अभी इसको बाहर जाकर देखें, इसको बाहर क्लिक करें तो देखें हमें लग रहा है जैसे कोई ना उभरी हुई चीज है इस तरह। तो इस तरह भी मतलब के बहुत आसानी से जो है ना बड़े अच्छे शेड के साथ, जिस तरह ये होता है आलू बुखारा वगैरह होता है, शिमला मिर्च वगैरह होती है, केला वगैरह होता है इस तरह, तो उसके शेड इस तरह जो मतलब के जो बहुत ज्यादा अच्छी चीजें इससे बन जाती हैं। तो चलें मैं फिलहाल जो ना इसको अभी करते हैं डिलीट करते हैं, ये भी अभी एक बताने का तरीका ही था। ठीक है इसको करते हैं बैक, नहीं बल्कि थोड़ी सी और चीजें यहाँ पर बता देता हूँ। अच्छा यहाँ से एक तो तरीका ये है कि यहाँ से जो है ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इनको सेलेक्ट किया जाए इस तरह, ठीक है इनको देखिए अभी हम हला भी सकते हैं इस तरह। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे जो है ना ये मैश को ही सिलेक्ट कर लें, ये मैश टूल जो है ना अभी देखिए ये वाइट एरो नहीं सिलेक्ट बल्कि मैश सिलेक्ट है। अभी देखिए थोड़ा सा जो है ना ये देखिए यहाँ से इसको पकड़ें, ये देखिए ये मूव भी हो रहा है इस तरह, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखिए ये मूव भी हो रहा है सेंटर में, अगर अच्छा अभी सेंटर में क्लिक नहीं कर सकते, ठीक है तो इस तरह। अच्छा देखिए अभी इसको अगर मैं हिलाऊंगा इस तरह, देखें ये इस तरह हिल रहा है ना, लेकिन साथ वो कौन रो भी हिल रही है ना, तो अगर शिफ्ट प्रेस कर देंगे ना फिर देखें, शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो फिर रो नहीं हिलेगी, देखिए शिफ्ट प्रेस करेंगे ना ये देखें तो फिर रो नहीं हिलेगी। इसी तरह अगर हम ये इसको हिलाना चाह रहे हैं, रो को हिलाना चाह रहे हैं देखें, तो साथ साथ देखिए कॉलम भी हिल रहा है ना ये देखें, अगर हम शिफ्ट को प्रेस कर देंगे फिर कॉलम ही हिलेगा, ये देखें सिर्फ रो जो है सिर्फ रो देखें वो मूव कर रही है ये देखें, तो मतलब शिफ्ट के साथ अगर करेंगे तो ये इस तरह रो मूव करेगी। उसके बाद और क्या करेंगे कि हम कोई पॉइंट जो है अभी ये डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है कोई पॉइंट डिलीट करना चाह रहे हैं, तो इस पॉइंट पे जाएं और इसके साथ आल्ट प्रेस करके देखें, और ये देखें ये वाला ये टूल सिलेक्ट होना चाहिए ये वाला जो है ना मैश टूल। अभी यहाँ पे आल्ट प्रेस करें तो ये देखें इस पर आ गया, इस पर क्लिक कर दें तो वो रो भी और दोनों गायब हो गए। ठीक है आल्ट को प्रेस करके रखें, यहाँ पे प्रेस कर दें आल्ट को क्लिक करके, ये देखें वो गायब हो गया। और अगर इसको छोड़ के यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह क्लिक करते जाएंगे तो वो पॉइंट ऐड करता जाएगा। इस तरह हम पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि पॉइंट को हम किसी को पकड़ के, ये देखिए एंड वाला पॉइंट जो होता है इसको पकड़ के जहां मर्जी ले जाएं, ये देखें सारी चीज हो रही ना, लेकिन अगर शिफ्ट प्रेस कर देंगे फिर वो सिर्फ एक मतलब कि कुछ इस तरह का पोर्शन होगा, इस तरह उसका कुछ पोर्शन जो है ना वो डिस्टर्ब होगा इस तरह, ठीक हो गया। तो ये भी एक मतलब कि ये टेक्निक है, मतलब कि पॉइंट को हम खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है और हम इनको ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा और इनको जो हमने देख लिया कि हम इनको मूव भी कर सकते हैं इन पॉइंट्स को, ठीक हो गया। उसको अभी हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे हम एक और यहाँ से ये वाले लेते हैं, ठीक है इस तरह, और इसको मतलब कि कोई भी कलर चले ये कर लेते हैं कलर, ये वाला कलर कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम अगर इसको लगाएं कोई भी पॉइंट इसमें ऐड करना चाहें, ठीक है तो देखें यहाँ पे मैश को लें, तो यहाँ पे अगर इसके एच पे क्लिक करें ना, यहाँ पे एच पे आके क्लिक करें देखिए फिर क्या होता है, फिर उसने सिर्फ कॉलम ऐड किया, यहाँ पे एच पे करें सिर्फ कॉलम ऐड किया, यहाँ पे अगर क्लिक करें तो या तो कॉलम करेगा या रो करेगा, तो देखिए उसको जाज हो गया कि रो करना चाह रहा है, यहाँ पे क्लिक करते देखिए उसने रो कर दी। फिर यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करने लगा, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे जो है इस लाइन पे क्लिक करते हैं ये कॉलम हो गया कि और ऐड, यहाँ पे क्लिक करते हैं कॉलम और ऐड हो गया, यहाँ पे क्लिक करते हैं कॉलम और ऐड हो गया, यहाँ पे क्लिक करते हैं कॉलम और ऐड हो गया। अच्छा ये हो गया, अभी रोज जो हैं ठीक है, इसको अगर खत्म करना चाहते हैं मतलब कि एक रो है उसको मतलब इसको अगर खत्म करना चाहते हैं ना इस कॉलम, तो यहाँ पे पहले आल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करें वो रो भी खत्म हो जाएगी कॉलम भी हो जाएगी, फिर इसको छोड़ के यहाँ पे एक और क्लिक कर दे तो कॉलम आ जाएगा, सॉरी जो है एक मिनट,
रो जो थी। अच्छा इसको अंडू, इसको सॉरी यहाँ पे क्लिक करेंगे जब आर्ट के साथ तो ये गायब हो जाएगा, और फिर ऊपर जाके कोने पे क्लिक कर दे तो मुझे जो है ना, ओहो अच्छा इसमें ना इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं यहाँ पे जो ये देखें वो, जब इस तरह का आ जाएगा ना तो इसका मतलब है क्योंकि वो हैंडल जो है ना वो शुरू ने लगाया, तो जब जब इसका प्लस आ जाएगा ना फिर क्लिक करेंगे इस तरह, तो देखिए अभी ये हो गया इस तरह। और इस रो को भी जो है, चले हम इस पर भी क्लिक करते हैं आर्ट के साथ, इस पर क्लिक करते हैं तो ये खत्म हो जाएगी, फिर इस आर्ट के साथ इस पर भी क्लिक करते हैं तो ये रो भी खत्म हो जाएगी इस तरह। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे किसी जगह पे जाके ना, यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं तो ये कॉलम ऐड हो गया, फिर यहाँ पे खाली जगह पे जाके जहाँ पे प्लस बन जाएगा तो यहाँ पे वो जो है या रो कर देगा, फिर इसको अंडू कर देते हैं। तो इस तरह जो है ना ये क्या करेगा, अच्छा एक मुझे ना इसका ये क्लिक कर दिया, चलिए ये कॉलम आ गया। एक रो को भी डिलीट करने का तरीका था वो भी मुझे देखता हूँ, मेरे ब्रेन से निकल गया। अच्छा इसको भी जो है ना यहाँ पे हम सबको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, एक तो ये है कि इसे जो है ना सबको इस तरह ड्रैग करके जो है ना पूरे सबको इस तरह सेलेक्ट कर ले, और इसको हम कलर दे लेते हैं, चले हम ये वाला देते हैं ये वाला कलर। ठीक है इस तरह ये इस तरह कलर आ गया ना, तो अभी देखें यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे ना इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ जो है फिर इस पॉइंट को क्लिक करें, अभी हम इस वाइट एरो से कर रहे हैं, और अभी इसको कोई गहरा कलर देंगे वाला, ये गहरा कलर देखें तो वो यहाँ पे भी था ना, इधर भी पॉइंट था, इधर कलर आ गया, इधर आ गया, तो ये फैलेगा जाहिर है कि अपने इसके इर्द गिर्द इस पॉइंट, इसके जो राइट साइड पे है पॉइंट उस पर नहीं फैल सकता, जो लेफ्ट साइड पे है उस पर नहीं फैल सकता, ऊपर की तरफ जो पॉइंट है वो है ही नहीं, वो बहुत दूर तक है तो वो वहां तक फैलेगा इस तरह। इसी तरह फिर अभी इसको तो एक छोड़ के अगला छोड़ के उसको पकड़ते हैं, और फिर ये शिफ्ट के साथ नीचे वाले को इस तरह पकड़ते हैं, फिर इस पर यही कलर कर देते हैं इस तरह। ठीक है, फिर आगे वाला एक छोड़ के यहाँ पे, फिर छोड़ के एक जो है यहाँ पे, तो शिफ्ट के साथ फिर इस पे क्लिक करते हैं इस तरह, तो फिर उसके बाद आगे वाला पॉइंट। ठीक है, और फिर शिफ्ट के साथ उससे एक एक छोड़ के, ठीक है यहाँ पे वो कर देते हैं फिर ये वाला इस तरह, तो ये देखिए इस तरह, तो यहाँ पे भी बचे नहीं है। तो अभी इसको देखें तो मतलब कि किसी जिस तरह होता है ना, कोई कोई भी शक्ल आपने देखे कितनी जबरदस्त किस्म की जो है ना, वो वैसे ही रंग भर के बना लीजिए इसे, तो इस तरह अभी ये फर्ज करें कोई भी समझ लें कि जो कोई जो है, अभी मुझे तो नहीं पता लगा क्या बन गया है, जिसका तरबूजा होता है चले वो समझ लेंगे, तो खरबूजा समझ लेंगे या तरबूजा समझ लेंगे जो मर्जी समझ लें। तो ये फिर जो है ना इनको जो है कलर करने के ये भी तरीके हैं। ठीक हो गया, ये भी ग्रेडियंट मैच का इस्तेमाल है, तो इसी तरह जो है ना बड़ी जबरदस्त किस्म की शक्लें बनती हैं। अच्छा उस एक और पॉइंट जो बताने वाला था कि इसको भी मैं खत्म करने लगा हूँ, अभी देखें फर्ज करें हमने बनाना बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो पेन टूल लें इस तरह, इसको इस तरह क्लिक करें यहाँ से, ठीक है फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा इसको गोलाई में दे देते हैं। ठीक है, और इसको चूंकि हमने अंदर की तरफ अगला बैंड लाना है तो इसको आल्ट पकड़ के इसको अंदर की तरफ ले आते हैं इस तरह पहला बैंड, फिर यहाँ पे आते हैं इधर, ठीक है इसको इस तरह खींचते हैं तो ये आ गया। अभी हम थोड़ा सा बैंड लाना चाह रहे हैं तो आल्ट पकड़ लिया इस तरह, तो यहाँ पे इस तरह अभी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर दिया। ठीक है, और अभी जो है जहाँ से गुलाई लाना चाह रहे हैं आल्ट पकड़ के इसको थोड़ा सा खींचते हैं इस तरह, तो सिर्फ एक पॉइंट एक गुलाई आ जाएगी, फिर अभी यहाँ पे आके गुलाई लाना चाहते हैं इस तरह इस तरह, और उसके बाद इसको जो है ये आ गया, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर्ट के साथ क्लिक करते हैं तो ये अच्छा ये जो है ना अभी इसको थोड़ा सा शेप देनी है बनाना की, तो इसको पकड़ें यहाँ से, ये जो पॉइंट है ना ये इसके इसके वो जो कोने ये जो है ना ये एज है ये वाला। ठीक हो गया, तो इसको पकड़ें थोड़ा सा, इसको यहाँ पे ले आए ऐसे, इस पॉइंट को थोड़ा सा काम कर लें ये जो है ना, ताकि वो बनाना की शक्ल लगनी शुरू हो जाए इस तरह। तो मतलब कि ये मैं अभी रफ से बना रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा अभी टाइम लगाएंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा भी हो होता है इस तरह, तो सिंपल इसको येलो कलर कर लें ताकि वो हमें थोड़ा इस तरह नजर आए। तो अभी ये मैश टूल लेंगे अगर यहाँ पे, ठीक है मैश टूल लेंगे तो देखें अभी यहाँ पे क्लिक करें किसी जगह पे, यहाँ पे अगर क्लिक कर दें इधर ही कर दें क्लिक, ठीक हो गया यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें उसने मतलब कि बेतुकी सी लाइन ऐड कर दी, हम चाहते थे कि इस कोने से जाए ना लाइन तो वो, लेकिन हमने उसने ये ना वैसे अच्छा जी जब ऐसे आ गए ना, तो अभी देखें इसको जो है ना हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से जो है ना अभी हम इसको इसको पकड़ेंगे ये वाला जो है ना ये पॉइंट एंड वाला है, इसको पकड़ के हम इसको जो है ना इस कोने पे ले जाते हैं, इसको जो है ना यहाँ से ये जो है अभी शिफ्ट प्रेस करके रखें और इसको इस कोने पे ले जाएं। ठीक है, इस कोने पे आ गया, ठीक हो गया, उसके बाद इस कोना जो है ना ये वाला जो है इसको शिफ्ट के साथ पकड़े और इसको ले आए, सॉरी ये अंडू करता हूँ, ये इस तरह ये पकड़ा गया ना अभी ये वाला। अच्छा ये देखें उसने किस तरह का बना दिया, ये कोई और पकड़ा गया था यहाँ से, चले इसको इसको अगर खत्म करना हो इसको तो आल्ट आल्ट प्रेस करें यहाँ से, तो देखें क्या खत्म होता है। हाँ ये देखें ये जो रो होती है ना कोने पे क्लिक करें तो वो रो हो जाती है, वो मुझे जेन से निकल गया था अभी, वो प्रैक्टिस से आ गया। अच्छा यहाँ पे इस पॉइंट को जो है ना यहाँ पे ये तो पॉइंट इस तरह ना, लेकिन देखें ये जो है ये लाइन जो है ये तो और तरह, ये देखें ये बैंड किस लिए आया हुआ है,
ये देखिए ये बांडे किस लिए आया हुआ, ये होते हैं इनविंसिबल पॉइंट, मतलब कि ये पॉइंट नजर नहीं आते, देखिए अभी हमसे काबू नहीं आ रहा, पॉइंट असल में कोने वाले है ना, तो इनको काबू करने के लिए फिर जो ना पेन टूल होता है ना ये वाला, इसका माइनस टूल जो है ना ये ले लें, जहाँ से जाएंगे अभी देखें, ये देखें ये उसके जो है ना फालतू पॉइंट है ये वाले, तो इसको क्लिक करें ये फालतू पॉइंट कट गया, इस पर क्लिक करें ये फालतू पॉइंट कट गया, इस पर क्लिक करें ये फालतू पॉइंट कट गया, और अभी हम दोबारा इस पर आते हैं ऊपर वाले पॉइंट पर, और इसको जो पहले वाले पे क्लिक करते हैं और इसको भी पकड़ के ना इसका एच जो है इसको कर लेते हैं यहाँ पे अंदर की तरफ इस तरह, और इस पॉइंट को पकड़ के जो है इसको भी जो इस पॉइंट को ना ऐसे कर लेते हैं, तो अभी ये देखें ये शेप जो है ये तकरीबन ये ठीक बन गई है इस तरह, मतलब कि जब मतलब कि कहने का बेतुकी शेप होती है ना, फिर उस वक्त जब हम इस तरह का रो ऐड करते हैं ना, तो वो उसमें कुछ तो एंड पे पॉइंट भी बन जाते हैं और कुछ जो होते हैं ना सेंटर में इनविंसिबल पॉइंट होते हैं, वो नजर नहीं आते होते, लेकिन वो बैंड जब भी डबल बैंड आ रहा हो ना खाम खा का, तो वो समझ जाए कि यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होगा, तो फिर उसको जो है ना यहाँ से डिलीट एंकर पॉइंट जो होता है ना यहाँ से वो हम डिलीट कर सकते हैं, तो पहला पॉइंट जब इस तरह दे लेंगे ना अच्छी तरह, फिर क्या होगा, फिर हमें दूसरे पॉइंट देने की आसानी होती है, देखें अभी यहाँ पे अगर चलेंगे ना जहाँ पे अभी हम मैश टूल पे चलते हैं, ठीक है, अभी हम यहाँ कहीं रो पे यहाँ पे क्लिक करते हैं रो के ऊपर इस तरह, तो ये तो इस तरह हो गया ना, इसका अंडू करते हैं, और यहाँ पे अगर क्लिक करें इसके करीब यहाँ पे, तो देखें दूसरी लाइन जो होती है ना, जब हम एक लाइन को अच्छी तरह कर लेते होते हैं ना इस तरह, फिर दूसरी होती है ना वो अच्छी आती है, अभी देखें यहाँ पे अगर क्लिक करें ये देखें, तो अभी जो लाइन जो है वो सही किस्म की इसके पैरेलल में इस लाइन की मदद से, लेकिन अगर हम पहली दफा लगाते ना तो वो बड़ी ऊट ऊट पटांग किस्म की लाइनें लगनी थी इस तरह, तो इसलिए जो है ना ये देखें अभी यहाँ पे भी पॉइंट जो है ना वो आ रहा है कि उस तरह का जो, तो लेकिन वो इस तरह नहीं पकड़ा जाएगा, चले फिलहाल हम जो है ना अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको यहाँ से इस कोने को पकड़ते हैं ये वाला जो है ना इसका एज, इसको थोड़ा करीब कर लेते हैं इसको कंट्रोल प्लस से, और ये स्पेस बार प्रेस करके इसको सेंटर में इस तरह ले आते हैं, यहाँ से कोई इसका पॉइंट पकड़े ना ये वाला जो इसका यहाँ पे है, इसको भी केले का थोड़ा सा कोई कलर जो डार्क है वो यहाँ पे देखें ये वाला, तो इस तरह जो है ना हम फंस कर इसको पकड़ें और यहाँ से इसको शेड दे लें इस तरह, ये मैं अभी रफ सा ही समझा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा सोच के इस तरह की जो चीज़ें होती है ना वो थोड़ी सी सोच के बनती हैं, थोड़ा वर्क करके बनती हैं, तो चले हमने जल्दी में देखे अभी मैं बाहर क्लिक करता हूँ, तो देखें काफ़ी हद तक जो है ना ये काफ़ी हद तक अच्छा लगना शुरू हो गया ये वाला, ठीक है, तो इस तरह फिर जो होता है ना हम मुख्तलिफ किस्म के शेड जो होते हैं ना बहुत ज़बरदस्त किस्म के इस तरह के शेड लगा सकते होते हैं, तो अभी देखें ये बनाना काफ़ी हद तक लगना शुरू हो गया, लेकिन अभी हमने तो ज़्यादा सोच के नहीं बनाया, ठीक है, अच्छा उसके बाद ना कुछ चीज अभी हम इसकी जो है ना वो बनाना चाह रहे हैं इसकी यहाँ से जो होती है ना वो पकड़ने वाली उसको शाख शाख टाइप होती है पता नहीं क्या कहते हैं उसको, अच्छा उसको जो है ना यहाँ से पकड़े अभी इसके साथ फर्ज करें इस पेन टूल से बनाना चाह रहे हैं, ठीक है पेन टूल से बनाते हैं या कोई और टूल ले लें, तो ये देखिए यहाँ से फर्ज करें वो इस तरह की होती है, यहाँ से मैं इस तरह किया फिर आगे जाके यहाँ से वो मुड़ गई इस तरह, फिर यहाँ पे आके वो इधर को मुड़ गई, ठीक है फिर आगे आके नीचे को मुड़ गई इस तरह, फिर आगे आके ऐसे हो गई, फिर ये मैं क्लिक करके थोड़ा थोड़ा ड्रैग भी किए जा रहा हूँ इस तरह यहाँ पे आके और यहाँ पे आके इस तरह और यहाँ पे आके डायरेक्ट क्लिक कर देंगे इस तरह, तो ये जो है ना ये इस तरह की आ गई है, इसको थोड़ा करीब करके देखते हैं, पहले इसको सेलेक्ट करते हैं इसको कंट्रोल प्लस से करीब ले आते हैं इस तरह, तो चलिए मैं इसको अभी रफ सा बना रहा हूँ, इसको ग्रीन बनाना है हमने फर्क करें हम चाह रहे हैं, लेकिन बाद में ग्रीन बनाएंगे पहले समझ लेते हैं यहाँ से इसको येलो करके, ठीक है अभी देखिए ये रफ सी है, तो इस पर हम चाह रहे हैं कि इस तरह की लाइनें ऐड हों, मतलब यहाँ से लाइनें ऐड हों और ऐसे जाएँ ऐसे जाएँ इस तरह जाएं, तो लेकिन अगर देखिए हम इस यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑब्जेक्ट में जाते हैं इसको ग्रेडियंट मैप बनाने की ट्राई करते हैं यहाँ से ग्रेडियंट ये जो ना क्रिएट ग्रेडियंट मैश, ठीक है यहाँ पे तो वो देखें वो बाई चांस ये बहुत अच्छी बन गई है, हालांकि इस तरह बनती नहीं है वैसे, तो चले इसको एक दफ़ा कैंसिल करते हैं, इसकी शेप थोड़ी सी और बिगाड़नी चाहिए थी वैसे, चले इसको एक दफ़ा शक्ल को थोड़ी सी ना और भी बिगाड़ते हैं, मैं समझाने का मतलब ये था कि यहाँ से ना बाल का इस तरह की शेप होती है जो उसको जज भी नहीं होती बाल का, यहाँ से चले इसको पकड़ के जो है थोड़ा सा ये वाइट एरो से ना एक एक को क्लिक करते हैं पॉइंट को, ये पॉइंट पकड़ा गया इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं इस तरह, ठीक है इस पॉइंट को भी पकड़ के थोड़ा सा करीब इधर ही ले आते हैं इस तरह, थोड़ा ज़्यादा इसको खराब कर लेते हैं ना इस तरह, ये इस तरह की जब इस तरह की शक्ल होती है ना फिर उसमें बात करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो होते हैं ना लाइनें नहीं लगती, तो फर्ज करें चले अभी इसको लगा के देखते हैं, यहाँ पे गए अभी ऑब्जेक्ट में गए और इसको क्रिएट ग्रेडिएंट मैच किया, तो अभी भी देखें कि हम चाह रहे हैं कि ये जो लाइनें जो है ना ये घूम के जो है ना यहाँ से देखें ये इधर से फिर सीधी हो रही है इस तरह का वो ऑटोमेटिकली जज करता है ना, तो हम कहते हैं कि ये इधर को आनी चाहिए थी इधर को, ठीक है तो फिर इस तरह का होता है जो मतलब कि अभी इसको कैंसिल कर लें इसको भी फिर इसके इसके साथ ही लगाएं एक मतलब कि ये जो है ना इसको लें ग्रेडियंट मैच को जहाँ पे क्लिक करें सेंटर में, तो देखिए उसने इस तरह की लगा दी ना, अभी इसको यही सिलेक्ट करें ये जो कॉलम है इसको मिटाने के लिए यहाँ से आल्ट क्लिक करें यहाँ से ये तो मिट जाएगा, अभी इसको थोड़ा सा सेट कर लें अपनी मर्जी से, ठीक है ना इसको कर लें, तो अभी देखें ये जो है ना इसमें बैंड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये तो बैंड जो है ना इधर को जा रहा है, लेकिन ये अपनी अपनी मर्जी से आ रही है, देखें और तरह के ये वाले
तो इनका फिर ये था कि इसके दरमियान में पॉइंट भी होते हैं जो अननेसेसरी, देखे ना इसके ऊपर जाए कहीं पर, ये देखें यहाँ पे पॉइंट है, तो उसके लिए ये नेगेटिव जो टूल है ना यहाँ से डिलीट एंकर पॉइंट इसको लें, तो देखें वो सारे नजर आने शुरू हुए, इसको क्लिक करें ये डिलीट हो गया, इसको क्लिक करें डिलीट हो गया, इसको क्लिक करें डिलीट, इसको क्लिक करें डिलीट, इसको क्लिक करें डिलीट, इसको डिलीट, तो देखें ये पॉइंट अभी रह गया इतना। अभी इनको हम जो है ना यहाँ से इनके हैंडल पकड़ के हम इसको ठीक कर सकते हैं, यहाँ से पकड़े ये हैंडल देखें इसका जो है ना ये वाला, तो इसको पकड़ के ऐसे कर लें ऊपर की तरफ इस तरह, और ज्यादा हो गया, चलिए स्पेस बार प्रेस करके इसको मैं सामने ले आता हूँ, तो देखें इसका हैंडल को पकड़ें और इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले जाएं इस तरह, और इसको पकड़ें यहाँ से, अभी इस पॉइंट पे क्लिक करें, इसका हैंडल जो ये वाला है इस हैंडल को पकड़ें इस तरह, तो देखें ये वाला इस तरह हो गया, तो एक दो जो है ना खुद सेट कर लें इस तरह। अच्छा ये जो है ना ये नहीं मुझे समझ आ रही कि इसको, चले इसको पकड़ के हम लाते हैं इस पॉइंट को शिफ्ट के साथ, अभी मैं जो है ना ये शिफ्ट के साथ आता है लेकिन अभी ये सॉरी अंडू, ये इस पॉइंट यहाँ पे जब होता है ना तो फिर शिफ्ट मेरा काम करती है, तो अभी यहाँ पे चलेंगे इस पॉइंट को अभी करते हैं शिफ्ट के साथ। हाँ देखें अभी जो है ना वो जहाँ पे आ गया है पॉइंट, इधर इधर तक आ गया शिफ्ट के साथ, ठीक है ये बड़ा पॉइंट, और इस पॉइंट को हम जहाँ नीचे ले जा रहे हैं इसको पकड़ें और शिफ्ट यहाँ पे देखें सारा हो रहा है ना, शिफ्ट प्रेस करेंगे फिर जो है उसको ये जाते करके ये जहाँ पे आता कि नहीं आता, नहीं दो बना दिए उसने, इसको मैं करता हूँ अभी नहीं बल्कि उसने ना एक यहाँ पे आ गया है लेकिन उसने यहाँ पे ना वो सेंटर में एक ऐड कर दिया, बल्कि सेंटर में किया कि यह हमें गड़बड़ कर दिया, ये तो हाँ ये तो सीधी कर दी ना लाइन, चलो इसको मैं अंडू करता हूँ एक दफा दोबारा अंडू, और एक दफा फिर अंडू करता हूँ ये वाला। अच्छा इसको जो है ना यहाँ से शिफ्ट के साथ इसको ये यहाँ तक सही आ रहा है, तो चले यहाँ तक ठीक है, अभी इसको कर लें उसकी शेप जो है ना जो देनी है जो उसको फसल, ये देखिए यहाँ पे इसको पकड़ लें ऐसे और इसकी शेप, अभी जब इस तरह हो जाएगा ना अभी जो भी हम ऐड करेंगे ना वो थोड़ा सा तसली बख्श आएगा, तो उसके बाद देखें यहाँ पे अगर हम एक यहाँ पे क्लिक करते हूँ तो देखिए अगला पॉइंट जो है ना वो तो इस तरह ज़्यादा घूम रहा है हमारी तरह जिस तरह हम चाह रहे थे, और ये जो खत्म करना चाहते हैं उसको आर्ट के साथ इसको खत्म कर दें ये वाला ऊपर वाला, और ये जिस तरह इसको भी फिर जो है जो माइनस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट है वो इधर से नेगेटिव टूल लें, ये भी हमें नहीं चाहिए ठीक है, ये भी नहीं चाहिए ठीक है, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और अभी जो है इसको ये जो है वाइट एरो से पकड़ के इनको सेट कर लें थोड़ा सा यहाँ से ठीक है, इसको पकड़ें और यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर कर लें इस तरह जो है ना तीन में तीन लाइनें लगा के, तो फिर हम जो है ना कोई भी ये देखें अपनी मर्जी से जो है ना हम इसको गुलाई बना सकते हैं इस तरह, तो फिर ये है कि कोई एंड पॉइंट पकड़ें यहाँ से, अभी जो है इसको ग्रीन करें देखें ये ग्रीन हो गया इस तरह ठीक है, तो ये येलो ही है, इसी तरह कोई और पॉइंट ऐड करें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे ग्रीन करके देखते हैं इस तरह, तो देखिए अभी जो है ना वो उसी तरह फैलेंगे, तो इस तरह जो है ना वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो होती है ना वो इस तरह मूव कर जाती है इस तरह ठीक है। अभी हम इसको कंट्रोल जीरो प्रेस करते हैं, तो अभी देखिए ये थोड़ी सी ज़्यादा उस तरह जो है ना, तो बताने का मकसद ये है कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, बाकी जो है लोगों को देखें कि वो इसे क्या क्या बना रहे हैं तो वो थोड़ा सा सीखने की ट्राई करें, लोग इसे क्या क्या बनाते हैं ना तो फिर हमें थोड़ा सा आइडिया जो होते हैं ना हमारे और भी ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे इस तरह। तो ये फिर जो है ना ग्रेडिएंट मैश टूल के जो है ना वो थी इस तरह तफसील, तो इसे हम जो है ना बड़े ज़बरदस्त किस्म के कलर, मतलब कि इस तरह आप देखेंगे मैं YouTube पे जो है ना कोई इसे टमाटर बना रहा होता है, कोई शिमला मिर्च बना रहा होता है, कोई बनाना बना रहा होता है, कोई आलू बुखारा बना रहा होता है, कोई इसे मतलब कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के फैक्ट लग जाते हैं इसे, मतलब कि ये कलर करने का सबसे जानदार तरीका है, और कुछ जो होते हैं अब्स्ट्रैक्ट किस्म की बैकग्राउंड भी बनाते हैं, मतलब कि देखें ये भी मैं कंट्रोल जीरो पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं कंट्रोल जीरो प्रेस करके, ये पहले कंट्रोल जीरो था, अच्छा फर्ज कर इसको कंट्रोल ए सेलेक्ट करते हैं ये डिलीट कर देते हैं ठीक है, तो यहाँ पे वो सिंपल क्या करते होते हैं बैकग्राउंड बड़ी इस तरह वैसी बना लेते हैं, इस तरह सिंपल ऐसे क्लिक कर रहे होते हैं इस तरह ये लाइन लगाई इसको इसको सिंपल मैश में कन्वर्ट कर लें अपनी मर्जी से ठीक है, और उसके फिर कोनों पे जिस तरह मर्जी लगाते रहें, देखें क्रिएट ग्रेडिएंट मैश ये बन गया इसके, फिर अभी जो जहाँ भी कलर कर रहे हैं वो रैंडमली जो है ना इस तरह अचानक इस तरह ये देखें सब पे था ना सिलेक्ट, अभी एक एक कोना कोई भी सिलेक्ट करें, ये देखें कोने वाला ये कोना सिलेक्ट करें, इस पे येलो फेंक दें इस तरह ठीक है, इस कोने को सिलेक्ट करें इस पे येलो फेंक दें इस तरह, तो ये इसके ये ज़्यादा थे इसलिए जो है ना ये अभी इसके थोड़े कम करने हो तो ये वाला लें दोबारा इसको इसके इसके प्रेस करें आर्ट के साथ को क्लिक करें ये सारा खत्म हो जाएगा, आर्ट पे इसको क्लिक करें ये खत्म हो जाएगा ठीक है इस तरह, तो देखें ये वो ज़्यादा फिर फैलना शुरू हो जाएगा, इसी तरह इस कोने को पकड़ें इस तरह, मतलब कि अभी देखें कुछ भी हमने किया तो रेक्टेंगल जो है ना ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म कोनों से ना वो इस तरह रंग हो गया इस पर, तो इस तरह जो है ना बैकग्राउंड बड़ी किस्म की बन जाती है, मतलब कि ओरिजिनल शेड्स लगाने हो ना सबसे ज़्यादा ओरिजिनल शेड जो होते हैं ना वो इसकी मदद से जो है ग्रेडिएंट मैश की मदद से लगते हैं। अच्छा और ये क्या करता है कि ग्रेडिएंट मैश की और भी यहाँ से खूबियाँ होती हैं कि यहाँ पे देखें इसको तो खत्म कर दें, अभी यहाँ पे ना हम एक वैसे ग्रेडिएंट का कलर लगाते हैं सिंपल, ये देखें यहाँ से एक सिंपल एक रेक्टेंगल इस तरह, तो इस पर हम जो है ना ये ग्रेडिएंट का कलर लगाते हैं, यहाँ से जाते हैं ग्रेडिएंट में जाते हैं ठीक है,
और यहाँ से कोई भी जो है ये वाला क्लिक करना है, ठीक है, उस पर ये वाला कलर लगा दिया, ठीक है। इसको हम यहाँ से चलते हैं, तो यहाँ से कोई जो है, चले ये वाला लेते हैं। तो देखें इस पर ये लगे हुए ना इस तरह का, ये देखें इस पर चार कलर लगे हुए हैं इस पर जो है ना मुख्तलिफ किस्म की तरह। तो चले हम इसको अभी सिलेक्ट करते हैं। अभी ये क्या है देखें, ये अभी अभी तक ये क्या है, अभी तक ये रेक्टेंगल है और इसके ऊपर ग्रेडियंट है। तो अभी हम दोबारा ऑब्जेक्ट में जाते हैं यहाँ से, ठीक है, और इसको करते हैं एक्सपेंड, ठीक हो गया। मतलब कि ग्रेडियंट फिल को हम करने लगे हैं एक्सपेंड, देखिए क्या आता है। तो वो पहले हम इसको इग्नोर कर जाते थे ना, तभी हम इसको कहते हैं कि इसकी जो फिल है उसको एक्सपेंड करे और कैसे करे, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि इसको ग्रेडियंट में, मतलब कि या तो उसके जो है ना 255 ऑब्जेक्ट बना दे, तो ये क्या होगा, अभी ओके करते हैं देखें। तो उसने इसके 200 अभी भी देखें ये ग्रेडियंट लग रहा है ना, लेकिन उसने 255 ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी देखें इसको मैं पकड़ के, इसको पहले ये ग्रुप की शक्ल में होगा, इसको पहले अनग्रुप करते हैं। तो देखें ये है तो ग्रेडियंट है, लेकिन ये असल में, अच्छा अनग्रुप नहीं, ये क्लिपिंग ग्रुप है, इसको भी क्लिपिंग ग्रुप जो है इसको चले, ये क्लिपिंग ग्रुप को भी जो है ना यहाँ से, एक मिनट, ये यहाँ से ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, जब भी क्लिपिंग ग्रुप इसको चले खत्म करते हैं, इसको डबल क्लिक करके इसके अंदर जाते हैं क्लिपिंग ग्रुप के। तो अभी देखें ये इसके अंदर जो थे ना, ये असल में इस तरह के उसने ऑब्जेक्ट बना दिया, मतलब कि सबसे इधर को डार्क रंग किया, फिर आगे आगे हल्का हल्का करते थे ना, इस तरह की शक्ल बनाई है। तो अभी बाहर क्लिक करते हैं, और अभी इसको जो है ना हम अंडू करके देखते हैं कि वापस अंडू, कंट्रोल जी बार बार प्रेस किए जा रहा हूँ, इसको दोबारा जो है ना शक्ल, ये ओरिजिनल अभी शक्ल आ गई ना। तो एक तो तरीका यह है कि ग्रेडियंट को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट में बनता है ना। एक और तरीका है, जहाँ से ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे ना जब यहाँ से, तो अभी देखें वो कह रहा है कि ग्रेडियंट मैश में भी एक्सपेंड हो सकता है ये। तो जब इसको ओके करेंगे, ठीक है, तो अभी इसको देखें ओके करते हैं तो क्या होता है। अभी ये उसकी ना, ये इसको जब क्लिक करेंगे ना, तो ये उसने इसको अच्छा उसने इस पर ना क्लिपिंग ग्रुप बना दिया इसके ऊपर, मतलब कि इसको जो है ना क्लिपिंग ग्रुप जो बना दिया। अभी इसको ओके, इसको डबल क्लिक करके इसके अंदर जाएंगे ना, या इसके कंटेंट को देखेंगे, तो इसके अंदर असल में जो है ना वो मैश पड़ी होगी, इसके अंदर जो है ना मैश पड़ी होगी। ये देखें, अच्छा ये देखें ना, अभी इसको मैं अंडू करता, एक दफ़ा जो है ना इसको अंडू करते हैं। यहाँ पे भी अगर लेयर पैनल में जाए ना, यहाँ पे देखें ये क्लिपिंग ग्रुप है, तो इसमें देखें ये इसको खोल के देखें तो ये ऊपर क्लिपिंग ग्रुप है और नीचे जो उसके ये ग्रेडियंट है ये वाला मैश बन गई है। तो इसको अगर पकड़ के हम इसको पकड़ के जो है ना वैसी लेयर को अगर हम यहाँ से करके यहाँ पे ऊपर ला कर छोड़ें तो वो खत्म हो जाएगा ग्रुप श्रुप। तो अभी ग्रुप को जो है यहाँ से अगर पकड़ के डिलीट भी कर देंगे तो ये देखें अभी मैश जो है वो हमारे पास रह गई है। तो ये देखें उसने, ये देखें उसने अभी मैश के साथ क्या किया, अभी इसको देखना हो करीब करके थोड़ा सा कंट्रोल प्लस करके, तो ये उसने जो है ना मतलब के पॉइंट बना दिया। ये देखें अभी पॉइंट जो है ना, हम मैश में जाएंगे ना यहाँ पे, तो देखें हम जो पॉइंट वन है वो पकड़ सकते हैं। ये देखें ये उसने ना मैश बना दिया उसकी। तो अभी हम इसको फायदा क्या होता है कि इसको हम थोड़ा सा अपनी मर्जी से अभी हिला अभी जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। देखें यहाँ से पकड़े इस पॉइंट को, ये देखें यहाँ पे ले जाएं इस तरह, इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाएं इस तरह, जो मर्जी करें इस तरह, मतलब जो कलर होगा ना वो हम अपनी मर्जी से, ये देखिए इसको छेड़ भी सकते हैं। और इसको एक मिनट अंडू करता हूँ एकदम, यहाँ पे अगर हम एक इस लाइन को पकड़ें यहाँ से एक और पॉइंट ऐड कर दें, ठीक हो गया। अभी देखिए इसको पकड़ के हम जो है ना अपनी मर्जी से उसी ग्रेडियंट का अपनी मर्जी से और भी कुछ बना सकते हैं। ये देखें मतलब कि जो ग्रेडियंट होते हैं ना उसको भी हम इस तरह बना छेड़ के कुछ भी बना सकते हैं उस तरह। अच्छा उसके बाद एक कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं। अभी हम दोबारा जो है ना एक एलिप्स लेते हैं, या कोई भी यही लेते हैं, या चले एलिप्स ले लेते हैं इस तरह, नहीं बल्कि इस तरह नहीं समझाएगी, वो आएगी इसी में यहाँ पे, यही रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, ठीक है। दोबारा यहाँ पे रेक्टेंगल लेते हैं और इस पर भी यहाँ से दोबारा जाते हैं, इसमें ग्रेडियंट पे जाते हैं, ठीक है, और इस पर कलर भरते हैं कोई भी, ये वाला भर लेते हैं, ठीक है। इनको कलर को थोड़ा चेंज भी करते हैं थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे हमने ये रेड कर दिया, डबल क्लिक करें यहाँ से कुछ येलो कर दें, कुछ भी कर दें इस तरह जो ज़्यादा नजर आए, ठीक है। और सेंटर वाला जो है ये कर दें ये वाला इस तरह। तो अभी ये जो है ना ये है रेडियल ग्रेडियंट, ठीक हो गया। अभी हम दोबारा इसको देखते हैं कि ये मैश में कैसे कन्वर्ट होता है। तो अभी देखें ऑब्जेक्ट में जाते हैं और इसको एक्सपेंड करते हैं, और यहाँ से एक्सपेंड में इसको कहेंगे कि हमने ग्रेडियंट मैश में एक्सपेंड करना है, तो इसको ओके करते हैं, देखिए क्या होता है। तो ये अभी इस तरह हो गया। अभी हम लेयर पैनल में जाएं, इसको देखें, ये इसने ग्रुप में चला गया, ये ग्रुप है, फिर आगे चलते हैं ग्रुप चलता है। तो ये देखें उसने जो है ना ये क्लिपिंग मास्क बना देता है, क्लिपिंग मास्क को खत्म करेंगे ना अगर इसको, ये क्लिपिंग मास्क है, तो इसको फर्ज करें चलें, इसको अगर सिर्फ इसको सिलेक्ट करके अगर डिलीट करते हैं फिर क्या होता है। तो देखें हमारे पास जो है ना वो अभी मैश रह गई होगी, इसको जब क्लिक करते हैं ना देखें ये भी जो है पहले ग्रुप पर लिखा हुआ है। अच्छा ये एक मिनट,
इस ग्रुप को जो है एक दफा अनग्रुप करते हैं, अभी देखते हैं क्या रह गया। ये ग्रुप है, कंट्रोल माइनस, छोटा करते हैं इसको जो है ना, ऑब्जेक्ट में जाके इसको अनग्रुप। अच्छा अभी हाँ, अभी ये मैश रह गया, ये मैश, हाँ ठीक हो गया। और जो दूसरी कौन सी चीज थी, अच्छा ये देखिए अभी जो है ना, ये मैश है, अभी देखे ना यहाँ पे ये मैच रह गया। तो अभी ये देखे, ये अभी रेडियल है, तो अभी देखे इसको ये कैसे एडिट होती है, इसको थोड़ा सा अभी हम जो है ना इसको कंट्रोल प्लस करके करीब लेके आते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे इसको पकड़े मैच को, तो अभी देखिए यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए उसके कंट्रोल हैंडल है। अभी इसको पकड़ के हम अपनी मर्जी से ऐसे करने, देखें यहाँ से इसको पकड़ के इधर को ले आए, ग्रेडियंट से भी हो जाता है, लेकिन यहाँ से पता क्या होता है, ग्रेडियंट से भी हमने इस तरह का बनाया था ना, मतलब देखिए आई टाइप बनाए जो कुछ भी, लेकिन इसमें होता है कि हमारे पास ये हैंडल आ जाते हैं, इसमें हम मजीद कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए इसको यहाँ से करेंगे, ये देखें जिधर को मर्जी हमने कोई जब चीज़ बना ली होती है, मैं इसको पकड़ के खींच के बाहर ले गया, इससे बाहर तो नहीं जा सकता ना। देखें इसको पकड़ के ये ब्लू को जहाँ से जैसे मर्जी इसको हैंडल को छेड़ें, इस तरह दूर ले जाए इस तरह। तो अभी हम जो है ना इसके फायदा क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से सबको छेड़ सकते हैं इस तरह। लेकिन ये जो होता है ना, ये भी जो है ये वाले कोने जो है, इसको इसको अगर नीचे की तरफ लेके आएंगे ना, असल में ये जो है ना ये होता है, ये देखें इसको कोने को भी लेते हैं, यहाँ से इस कोने पर जाते हैं इसको पकड़ के ऊपर की तरफ, नहीं बल्कि ये ऊपर वाला नीचे की तरफ और नीचे वाला जो है ये ऊपर की तरफ, इसको पकड़ के नीचे की तरफ और उसको पकड़ के ऊपर की तरफ, इसको पकड़ के नीचे की तरफ और सॉरी डबल क्लिक, ये गलत क्लिक हो गया, इसको पकड़े नीचे की तरफ और इसको पकड़े वो, ये असल में होता है ये बनाया उसने ये ना टेबल उस तरह जो होता है ना टेबलोरी है, लेकिन उसको घुमा के जो है ना इस तरह फिट कर दिया है, मतलब कि अभी जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये इस तरह घूमता घूमता जो है ना ये एंड पे इधर जा रहा है, तो उसने मतलब बनाया वैसे ही था रेक्टेंगल टाइप ही, लेकिन वो उसको ना इस तरह घुमा देता है सबको। तो ये भी बड़ा अच्छा इसने मतलब कि जो था ना, अभी रेडियल को भी हम आगे जो है ना जो मर्जी जैसे मर्जी जो है ना उसको एडिट कर सकते हैं, तो आमतौर पे ये मुमकिन नहीं होता रेडियल वाला जो था ना इस तरह। देखें भी इसको अंडू करते हैं, कंट्रोल जी बार बार इस तरह, ये कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी, यहाँ पे था ना जब हमने पहली दफा कन्वर्ट किया था तो ये इस तरह हुआ था, मतलब रेडियल जो था ना वो, लेकिन अभी ये मैश है। तो अभी देखिए यहाँ पे और पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ पे अगर करें देखें क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करें तो देखें एक जो है गोल भी बन गया दायरा और एक उस इस तरह की भी बन गया इस तरह, ठीक है। अभी ये जो लाइन है इसको खत्म करना है तो इसके कोने पे जाके आल्ट क्लिक कर दें तो ये खत्म हो गया, अभी दायरा एक और बन गया। तो अभी इस पे किसी भी कोने पे जाके क्लिक करें, इसको पकड़ें, ठीक है, उस पे जो भी कलर करना है, ये देखें इस पे ये कलर कर दिया इस तरह। तो अभी इस पे क्लिक करें, यहाँ पे जाके क्लिक करें, कोई और क्लिक करें, देखें तो अभी देखें ये कितने ज़बरदस्त किस्म का इफेक्ट है ना, मतलब कि यूँ समझे कि अभी देखें हमने एक कार का व्हील जो है वो बना लिया तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब इसको मतलब कि इसको इसे पकड़ें, ये पूरे का पूरा पकड़ा जाएगा, इसको छोटा छोटा करें इस तरह, इसको जो भी समझ लिया हमने बना लिया इस तरह, देखें ना कार का व्हील समझ लें ये बना लिया, इधर एक और जाके रख दें इस तरह, इसके ऊपर कोई कार टाइप बना लें, और जो भी हम बनाएंगे ना फर्ज कर, ये देखिए हमने कोई इस पे ऊपर ये भी बनाते हैं, ये जो है ना पेन टूल ले लेते हैं ये वाला, ठीक है, ये भी मैं रफली बनाने लगा हूँ इस तरह, यहाँ पे गुलाई करनी चाहिए थी, लेकिन जो है ना अभी फिलहाल जो है इसको सीधा सीधा रखते हैं टाइम को बचाने के लिए इस तरह। तो इसके ऊपर भी जो है ना, इसके ऊपर भी हम जो है ना अभी जो ऊपर वाली जो चीज है इसके ऊपर भी हम ग्रेडियंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह फिर मतलब कि बहुत किस्म के अच्छे अच्छे इफेक्ट होते हैं ना। तो देखें अभी फर्ज करें यहाँ पे भी जाते हैं ग्रेडियंट में, तो इधर लगाते हैं यहाँ पे एक, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो देखो उसने ऑटोमेटिकली जज करके ना इस तरह का लगा दिया है जैसे वो ना कार तरह। तो अभी देखें इसको जो भी लगाना चाहें कलर लगाना चाहें तो मुख्तलिफ कलर करके देखें इसको पकड़ें, ठीक है, इसको जो फर्ज करें ग्रीन करते, तो देखें और तरह जा रहा है, इसको पकड़ें, इसको भी ग्रीन करके देखें, ये मैं अभी रफली बना रहा हूँ बहुत गंदे तरीके से। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो है ना ये बहुत किस्म के, इसे थोड़ा सा इसको सोच के करें ना तो ये बहुत अच्छे अच्छे किस्म के जो है ना हम इसे कलर जो है कलरिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो इससे बड़े बड़े जो है ना मुश्किल किस्म के जो इफेक्ट होते हैं ना वो बना लेते हैं लोग, ठीक है। तो ये हमारा था फिर जो ग्रेडियंट का है कि इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन क्या होती हैं, ठीक है। तो इसमें अभी हमने ये देखा है कि ग्रेडियंट पहले तो देखा हमने कि ग्रेडियंट का असूल देखे कि सिंपल इस तरह भर के, फिर हमने ग्रेडियंट के पॉइंट को देखा कि वो पॉइंट क्या करते होते हैं, वहाँ पे हम कलर कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि ग्रेडियंट को जब बनाते हैं किसी भी शक्ल को ग्रेडियंट बनाते हैं तो जहाँ से हम क्रिएट ग्रेडियंट करते हैं तो वो उस शक्ल के मुताबिक कई कॉलम और रोज बना देता है। फिर हमने और देखा कि अगर हम ऐसा नहीं करना चाह रहे फिर हम इधर से खुद जो होता है ना जहाँ पे क्लिक करते हैं कहीं पे कोने पे क्लिक करेंगे तो वो कॉलम लगेंगे, यहाँ पे कोने पे क्लिक कर देंगे तो वो रोज लगेंगे, और सेंटर में कहीं क्लिक करेंगे वो रो भी लगेगी कॉलम भी लगेगा। फिर हम रो को भी आल्ट के साथ डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आल्ट के साथ भी हमने देख ली जो है ना रोज डिलीट करना।
फिर हमने देखा कि उनके हैंडल जो होते हैं वो भी, और जो कर्व इस तरह की होती है जिस तरह वो हमने इस तरह का स्पाइरल टाइप बनाई थी ना, वो केले की जो डंडी होती है इस तरह, तो वो फिर उस तरह जब नहीं कंट्रोल हो रहे होते हैं तो फिर हमें एक को पहले एक लाल लगाते हैं रो, फिर उसको अपनी एडजस्ट करके फिर बाकी बाद में लगाते हैं ताकि वो उस तरह एडजस्ट हो जाए। तो इस तरह करते करते जो है ना हम बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है इस तरह बना लेते हैं। तो अगर वैसे आपका यूट्यूब पे इतफाक हो इस तरह जाने का, फर्ज करें ये देखें ये सेलेक्ट किया तो अभी जो है ना यूट्यूब पे जाएं, तो अभी देखें यहाँ पे सिर्फ सिंपल ग्रेडियंट मैश लिखने लगा हूँ मैं, तो बाकी ये जितने बेसिक बेसिक पॉइंट थे ना कलर करने के सारे वो तो अभी जेहन में आ गया। तो अभी सिंपल यहाँ पे लिखें ग्रेडियंट मैश, ठीक है, तो आप देखें ग्रेडियंट मैश इन इलस्ट्रेटर ट्यूटोरियल यहाँ पे, तो अभी देखेंगे कि ग्रेडियंट ये देखें उसने बनाना बनाया हुआ है, ये देखें ब्रिंजल बेंगन बनाया हुआ है, ठीक है, फिर आगे देखें ये मैंगो जो है, मतलब ये भी ग्रेडियंट मैश है, वो देखें उसका भी रहे साथ बना भी रहे हैं। तो ये देखें उसने चेहरे पे ग्रेडियंट मैश इलुस्ट्रेटर, देखें चेहरे के उसने कलर जो है ना, ये देखें अभी देखें ये देखें मैश लगा दी है, और फिर जहाँ पे चेहरा रोशन करना है वहां पे, तो देखें ये होगा जब इनको पढ़ेंगे ना तो ये आप थोड़ा सा तफसील से सीख जाएंगे कि ये कितने अच्छे कलर है। ये देखें उसने सिंपल एक लगाया और उसको घुमा दिया, हैंडल को घुमा दिया, तो देखें ये इफेक्ट भी घूम गया जिस तरह अभी हमने देखा था ना, ये देखें वो शिमला में सिंपल जो पेपर बना रहा है, मेरा ख्याल ये सेब बना रहा है, देखें ये इफेक्ट, मतलब कि हमने पढ़ चुके हैं सारा कुछ, हमने पढ़ लिया सारा कुछ, लेकिन अभी इस तरह की चीजें जो है ना आप यहाँ से देखें इनसे मिसाले ढूंढे कि वो कैसे कैसे जो है ना ग्रेडियंट, ये देखें ये कितने ये देखें इफेक्ट किस्म के अब्स्ट्रैक्ट किस्म के इफेक्ट जो है ना वो इसी के साथ बना रहे हैं, तो चेहरे को बने ये देखें और तरह के इफेक्ट आ गए, ये लाइटिंग भी उसने ग्रेडियंट के साथ ही कोई ना कोई मतलब की होगी छेड़खानी ना, तो ये देखिए फ्लावर को भी ग्रेडियंट मैच के साथ वो देखिए पत्तियां बना रहा है वो कैसे बनाएंगे, तो ये सारी चीजें पड़े, ये देखिए माउस उसने कैसे बना दिया, तो बहरहाल ये चीजें जो है ना ये देखिए चेहरा बना, अभी देखिए सबसे मुश्किल जो टास्क है ये चेहरा है, ग्रेडियंट मतलब चेहरे को ट्रेस करके जो है ना उसके ऊपर बनाना, तो उसूल सारे हमने देख लिए हैं, बाकी इसको थोड़ा सा गौर से पढ़े तो आपको जो है सारा कंसेप्ट जो है ना वो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अभी हम इस वीडियो को कर लेते हैं सेव।